press like button here. Click here on our video. Click subscribe button here for subscribe and press bell icon. नमस्कार दोस्तों, बिमलास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू के रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दही लिया है और दो आलू हैं जो मीडियम साइज़ के हैं, इन्हें मैंने उबाल दिया है और मैंने इनको छोटे टुकड़ों में काटा है। यहाँ पे थोड़ा पिसा हुआ शक्कर है जो मैं स्वाद के अनुसार डालूँगी, ये ऑप्शन है, आप डालेंगे या नहीं वो जिस अगर आप मीठा खाते हैं तो डालिए, नहीं तो नहीं। ये 1/4 चम्मच मेरा काली मिर्ची पाउडर है, भुना हुआ जीरा मेरा आधा चम्मच है, ये मैंने लाल मिर्ची पाउडर फ्लेवर के लिए रखी हूँ, और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैं इसका जीरे का तड़का लगाऊंगी इसके अंदर, जो मैंने इस तेल में इसको फ्राई किया है। आइए मैं पहले दही को फेंटूँगी। ये मैंने अच्छे से इसको फेंटना है। अब मैं इसे काली मिर्ची पाउडर जो मैंने आधा चम्मच ही लिया है भुना दिया 1/4 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैं मीठा डाल रही हूँ जो मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन है आप, मैं यहाँ पे मीठा थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मीठा, हमें इसको मिक्स करेंगे। अब ये जो आलू लिए हमने इनको इसमें ऐड कर देंगे। गर्मियों के सीज़न में हमें रायते की सबसे ज़्यादा इच्छा होती है खाने के लिए, कि हम खाने के साथ रायता अपना इस्तेमाल करें। अब मैं यहाँ पे ये तड़का जो मैं बनाई हूँ सरसों तेल में मैंने किया है, आप चाहे किसी भी तेल में इसको कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छा टेस्ट देता है। मैं ये मेरा रायता तैयार है। अब मैं इसको हल्का सा रेड चिल्ली पाउडर हम इसमें हल्का फ्लेवर के लिए डालेंगे। हमारा आलू का रायता बहुत टेस्टी लगता है, स्वाद लगता है खाने में, और आप बनाए ट्राई करेंगे अच्छा लगेगा।